को साल बूढ़े हो गए हो जी, हम अभी आ नहीं सकेंगे फिलहाल, तुम घर पे ही बैठ के खाना जी। कैंडल शैंडल खुद से बुझा के बेसुरों की भीड़, हम आ जाएंगे व्हाट्सएप पे। जोर जोर से गाना गा के तुम्हारे फोन के स्पीकर को हम फाड़ देंगे जी। बोलो वरना गुस्से में करेंगे जी। शुभ शुभ बोलो। नहीं फाड़ेंगे जी, हैप्पी बर्थडे टू यू दिया है जी, तुम 1 साल बुढ़े हो गए उतरी। पेट पूजा का फुल इंतजाम हो तो हम तभी भी नहीं आएंगे जी। कोई नहीं कोई नहीं, तुम्हारे हिस्से का खाना मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी ज्यादा मोटा नहीं होना। हम तो आ नहीं सकता, हम बस व्हाट्सएप पे आएगा। शुक्र मनाओ व्हाट्सएप वीडियो कॉल, सोचो अगर पुराने जमाने में होते हम चिट्ठियां लिखे जो खत लिख लिख के। सो दिस वाज एन एग्जांपल कि मेरी एक्चुअल में जो मैं रोज कॉल होती है, इससे रोज नहीं होती, इसका टाइम नहीं मिलता। विदेशी लोग कोई तो ज्यादा जल्दी सो जाता करें, सुबह क्लास में भी टाइम तो होना चाहिए, पर अभी तो चलो क्लास खत्म हो गए, आखिरी आखिरी पेपर चल रहे हैं, बट लेट्स नॉट बोर द व्यूअर्स विद दैट इंफॉर्मेशन। सो कमिंग बैक टू माय है। अरे अरे, एक और टूरिस्ट की फोटोग्राफ। ओ बेल बॉटम्स, वाह, ये वो जमाना आ गया, बेल बॉटम्स और लेदर जैकेट का। टिपिकल एयरपोर्ट की फोटो। कौन से एयरपोर्ट की आई है? दुबई? नहीं, ये है थाईलैंड की। थाईलैंड की फोटो है ये? अच्छा, प्रॉपर बैक पैक लेके एकदम। डू यू मेरी डू बहन को दिस देखो, इसमें ऑफ्टन? मैल नरिश्ड लग रही है। तुम मुझे खाना नहीं खिलाती थी, कब नजर आ रहा है फोटो में, थोड़ा दे देती मेरे को। देख लीजिए आपके बहन को, आपके एंकल को भी खाना नहीं मिला, मेल न्यूट्रिशन घोषित कर दिया गया। अच्छा हाँ जरूर। एक चीज नोटिस करी तुमने, ये क्या फोटो वर्सेस 2020 एंड 2021, सो इट्स परफेक्ट, सिर्फ मास्क की कमी है, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग पूरा है। सिक्स फुट के हाँ बैठे, ट्रू। वैसे मेरे पैर हवा में क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम हिला रही होगी आगे पीछे बैठ के, स्विंगिंग स्विंगिंग। शायद मैं फोटो खिंचवाने के मूड में नहीं थी एज यूजुअल। इसकी ना थोड़ी बहुत फोटो ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली पहले की, इसके कॉलेज के बाद तो ये बदल अब मैं चुकी है। कंप्लीटली ऑपोजिट है ना, अब मैं फोटो नहीं, खींचे पहले की मेरी फोटो में सिर्फ इसकी पीठ ही नजर आती थी, मुंह नहीं नजर आता था, इसलिए वो फोटोज तो हम ला नहीं सके, चेहरे वाली लेके आनी पड़ी, इसलिए ऐसी ऐसी फोटो कृपया कर छे लेना, यानी कि सह लेना थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ दिस इज इसकी वन ऑफ द फेवरेट फोटोज जिस पर हम दोनों बहुत हंसते हैं। अल। देख बस बस। ये देखो एक और नकलची फोटो, बस वाली एक और नकलची फोटो। ये मेरे सनग्लासेस तो पता नहीं कौन सा आसमान छू रहे हैं, करण जौहर का फैशन आ गया मेरे अंदर। तेनू काला चश्मा ऐसा काला आधा चश्मा, आधा फेस तो चश्मों से ही कवर हो गया। बैकग्राउंड ब्यूटीफुल, उस टाइम के कैमरे के हिसाब से तो बहुत अच्छी फोटो है, बट ये मेरी बहन को मेरी नकल उतारने से तब भी फुर्सत नहीं थी। और फोटो में मैं कोई हेंस मजाक या प्रूव, भावना करूं हो नहीं सकता। हेंस प्रूव्ड। ओके आई एग्री को कि हम छोटे बच्चे बस ही सीखते हैं, मेहनत का काम तुम लोग करते हो, हम नहीं करते। ओके नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द क्यूट फोटोज। ओ, ये परफेक्ट फोटो है कि बड़े बच्चे को कैसे छोटे बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। पापा अपने अलग घोड़े पे, मम्मी अलग घोड़े पे। हाँ बेटा, तुम दोनों का वेट एडजस्ट हो जाएगा, वो बेचारा घोड़ा ले लेगा वेट। और ये मेरी बहन डरपोक नंबर वन उस टाइम पे। घोड़ा भाग तो नहीं जाएगा लेके हमें दीदी दीदी। इसका नाम क्या था वैसे, नीलम था ना घोड़े का, हमारे घोड़े का। हाँ शायद। और वहां पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं घोड़े से उतरने की, और मैं देख रही हूँ कि कोई ये बच्चे को मेरे हाथ से ले तो मैं भी उतरूं। तुझे बच्चा उतारना नहीं सिखाया था एनसीसी में?
एनसीसी का कैंप वहां 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 तेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि हाय राम मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए, ये घोड़ा कहीं भाग ना जाए। एक्चुअली वो जो घोड़े का ध्यान रखने वाला था ना वो कहीं चला गया था, तो मुझे और उसको बांधा नहीं गया था, तो मुझे वही डर था। ओके आगे बढ़ते हैं। ये वो ना सुनहरे पल होते हैं जब छोटी बहन को प्यार आता है बड़ी बहन की सेवा करने में। अब हमारी जुबानी इस फोटो की कहानी सुनिए जरा। तो हुआ ये था, ये आई थी कैंप से और इसको था बुखार और ये आधे सोने के मूड में थी और मम्मी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि खिला के दिखा। मैंने बोला लो खिला के दिखा तू, मैंने बोला खा ले मेरी कहानी सुनने मिलेगी ते को, तुझे अब तो सुननी पड़ेगी क्योंकि ये मेरी बातों से पक जाती है। हाँ पहले इतना नहीं बोलती थी जितना आप बोलती है, बट देखो भोलापन देखो उस फोटो में झलक रहा है एकदम भोली सी सूरत। हाँ बट इस फोटो में भी गौर करे जरा, दूर से ही छोड़ा जा रहा है सामान, मुंह तक हाथ नहीं जाएगा क्या पता कब काट जाए, अब बच के तो है ना। अरे बाबा अरे ये खा क्या रहे हम, फ्रेंच फ्राइज। यस दैट इज फ्रेंच फ्राइज, थाली में छकवाए क्या ये देखो छको, भूख लग गई, खाना खाने का मन कर रहा था। और उस वाली फोटो का घोड़ा मेरे स्वेटर पे बैठा है। नाइस वन Oh, finally you like my jokes. इसको मेरे jokes भी नहीं पसंद आते, बताओ। बहुत rare होता है कि मेरे jokes समझे। Okay, next. कभी-कभी ये उसकी pre-glimpse है उस दिन की कि मैं मेरी बहन ऐसे धुले हुए बाल लहरा लहरा कर आ रही थी और मैंने बोला मैंने अच्छे से शावर नहीं लिया है, एनसीसी कैंप में सुविधा नहीं थी, प्लीज मेरे से दूर रहो। गौर से देखिए मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मैं इसको कुछ बता रही हूँ, मैं इसको कुछ बता रही हूँ बहुत ही ध्यान से कुछ बता रही हूँ कि तुझको पता है तेरे जाने के बाद मैं ऐसे ऐसे करके काम कर रही थी, ऐसे ऐसे करके सो रही थी अकेले अकेले तेरे बिस्तर पे तेरे कमरे के अंदर। एंड शी वाज लाइक छोड़ दे मेरे को नहीं सुनना, जस्ट लाइक आई सेड उसको मेरी बातें नहीं सुननी। उस टाइम पे नहीं थी यार, प्री टीनेजर फेस है, प्रॉपर टीनेज फेस। फिर से आगे हम बर्थडे केक पे फिर से मेरे देखो कितना अच्छे से सच के पहले बर्थडे केक काटा जाता था, नया नया लहंगा, नए नए हेयर क्लिप, मम्मी का बनाया हुआ केक सुंदर सा। मेरी बहन तो ऐसे खड़ी है केक कब मिलेगा मुझे खाने को। मैं ये सोच रही हूँ अगर मैंने टाइम पे आ नहीं किया तो डांट पड़ेगी। वहां मेरा फुल कॉन्सेंट्रेशन है, केक कट चुका है जरा निकाला जाए बिना तोड़े। That cute little smile on your face करके दिखा।